This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, शाम के रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। एक तरफ सरकार का फैसला है तो दूसरी तरफ ये फेसबुक पोस्ट। एक तरफ मुख्यमंत्री है तो दूसरी तरफ सहयोगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई निर्देश दिए हैं, जिसमें से एक फैसला है नाइट कर्फ्यू का। बिहार में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय है, अब उसके बारे में एक आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है। नहीं, जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं, जो एसेंशियल सर्विस है जो उसकी बात हम नहीं कर रहे, बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था तो अब उसको कर दिया गया, घटा करके जो 6 बजे तक का उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, शाम रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। नीतीश कुमार रविवार को जब ये फैसला सुना रहे होंगे तब उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि उनकी ही सरकार की सहयोगी पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कुछ ऐसा लिखेंगे। ऐसा लगता है कि शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में संजय जायसवाल ने जो प्रस्ताव दिए थे उसे नीतीश सरकार ने अनसुना कर दिया। तभी तो संजय जायसवाल को अपनी बात सबके सामने रखने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हम आपको बता देते हैं कि संजय जायसवाल ने अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट में आखिर लिखा क्या है। संजय ने फेसबुक पर लिखा है, मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, फिर भी सभी अच्छे निर्णयों में इस एक निर्णय को समझने में असमर्थ हूँ कि रात का कर्फ्यू लगाने से कोरोना वायरस का प्रसार कैसे बंद होगा। अगर कोरोना वायरस के प्रसार को वाकई रोकना है तो हमें हर हालत में शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक की बंदी करनी होगी। घरों में बंद इन 62 घंटों में लोगों को अपनी बीमारी का पता चल सकेगा और उनके बाहर नहीं निकलने के कारण बीमारी के प्रसार को रोकने में कुछ मदद अवश्य मिलेगी। वैसे कोरोना प्रसार रोकने की महाराष्ट्र में सर्वोत्तम स्थिति यही रहती है कि 4 दिन रोजगार और 3 दिन की बंदी। बिहार में अभी इसकी जरूरत नहीं है, पर अगर हम हफ्ते में 2 दिन कड़ाई से कर्फ्यू नहीं लगा पाए तो हमारी स्थिति भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसी हो सकती है। संजय जायसवाल ने अपने इस पोस्ट के जरिए बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बात कही है। वहीं रविवार को जो फैसला लिया गया है उसके मुताबिक बिहार में वीकेंड लॉकडाउन तो नहीं होगा लेकिन नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने कई और निर्देश दिए हैं, जैसे कि शादी समारोह में 100 लोग और श्राद्ध जैसे कार्यक्रम में 25 लोग से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बार बार ये अपील की है कि जो भी लोग बिहार से बाहर हैं वो जल्द से जल्द राज्य लौट आएं। तो देखते हैं कि आखिर नीतीश सरकार बिहार में वीकेंड लॉकडाउन आने वाले समय में लगाती है या नहीं। मैं हूं मानसी और आप देख रहे थे बिहार तक। बिहार से जुड़ी हर खबर मिलेगी सिर्फ बिहार तक पर।